जम्मू काश्मीर उधमपुर रे निर्वाचन सभारे कांग्रेस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टार्गेट करिसेंती। क्षमता अख्तियार पाई सेमाने जम्मू काश्मीर रे 370 धारा लागू करी एक प्राचीर सृष्टि करथिले। ई प्राचीर को मोदी सरकार भांगिछंती। एथि जोगु बीजेपी उपरे लोकमानक आस्था और विश्वास बढ़िछि। एथि सह सेमानंकु पुणी थरे 370 धारा लागू करबाकू चैलेंज दैछंती। एमिति कले लोके माने समानंको मुहंको चाहिबेनी। कांग्रेस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिसी परिवारवाद राजनीति चलाइछंती। एठारे राजनीतिक दल कहिले परिवार पाई परिवार द्वारा और परिवारर बोली बुझाउछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए। विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे। ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं, कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।